हेलो मेरे दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद वीडियो ये बनी है। आप देखिए, इसमें मैं नॉर्मल फिटिंग कर रहा हूँ। ये हमारा, आप देखिए, ये हमारा फुहारे का एक सिंगल टंकी लाइन है, एक ताज़ा है, ये गीजर का देने जा रहा हूँ। इसे गीजर का पाइप बाहर से किचन में से आया हुआ है। आप देखिए, इस तरीके से बाहर से खड्डा मारा हूँ और इधर से मैं लेके जा रहा हूँ इस लाइन को। अब ध्यान से देखिए, देखिए आप, ये ऊपर में सावर के लिए झीरी काटा हूँ, ऊपर सावर दूँगा। सिर्फ नॉर्मल फिटिंग है ये, एक कंसील से ही फुहारा चलेगा टंकी की लाइन से। मेरे दोस्तों, जो नए हो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये हमने वाशबेसन का पॉइंट बनाया है गिजरी लाइन में और टंकी लाइन में। और यहाँ से देखिए आप, ये मैं टाइम लाइन मेरी सब ऊपर जा चुकी है, सिर्फ एक लास्ट बाथरूम रह गया है जो नॉर्मल फिटिंग हो रही है इसमें। हेलो दोस्तों, देखो आज मैं एक सिंपल बाथरूम बनाया हूँ, फिटिंग किया हूँ। देखिए, इसमें एक गर्म पानी का है, एक ताज़े पानी का है, एक टंकी की लाइन है। ये बीच में जो है, ये टंकी की लाइन के लिए देखिए आप, मैंने इसको फुहारा बनाया है। ये सिंपल बाथरूम है जिसमें हमारे एक कंसील बनी है, एक कंसील लगाया गया है दोस्तों। और इसमें इस साइड में हमने गीजर दिया है। देखिए आप, ये गीजर की लाइन आई है, गीजर की लाइन आई हुई है। यहाँ पे वाशबेसन का पॉइंट दिया गया है और ये जो है वाशबेसन का पॉइंट दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा ये हमारा एक टूटी है जो सीट के पास लगाई जाती है, ताकि जो है डब्बा वब्बा भरने के लिए काम आए। और एक लाइन ये छोड़ा हूँ दोस्तों, ये पाया बनने के बाद मैं इसको कंसील लगाऊंगा, ताकि जो है जेड भरने के लिए काम आएगा इसमें। ये देखिए, फ्लश के लिए मैं लाइन दिया हूँ। और ये हमारा जो है सीट का पॉइंट है, 12 इंची सेंटर का पॉइंट है सीट का, सिंगल साइफन सीट लगाई जाएगी इसमें। और ये ड्रेन का हमारा जो है वॉश बेसन की लाइन है, इस तरीके से लाया हूँ। जिस जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात समझ में आपको ना आए, आप हमसे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बात को, मैं आपको क्लियर बताऊंगा जो बात आपको समझ में ना आए दोस्तों। और उसके अलावा ये देखिए, नीचे से 5 मंजिल से लाइन आई हुई है, ये छत की तरफ गई हुई है टंकी पे। ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाया बनेगा। ये हमारी लाइन इस तरीके से गई हुई है ऊपर में, देखिए छत में चली गई है दोस्तों। और थोड़ा मुझे दोस्तों, मैं नया हूँ वीडियो में बोलने में, थोड़ा सा मेरे को आता नहीं है। आप ये देखिए, देख दोस्तों, ये मैं लाइन लाया हूँ। ये किचन की, हमारे 3 किचन हैं, यहाँ से 1 इंच की लाइन आया है ताकि प्रेशर में दिक्कत ना होए कभी भी। देखिए, मैं ये यहाँ पे डाउन मार रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 3-4 इंची का पाइप डाला हूँ मैं दोस्तों। हर फ्लोर में ही मैं 4 इंची का पाइप डाला हूँ, ताकि इनको कभी भी दिक्कत ना आए, लाइन कभी भी चोक ना होए दोस्तों। ये सावधानी बहुत बरतना ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं 4 इंची की लाइन पहले से ही डाल के चल रहा हूँ। काफ़ी लोग 3 इंची की लाइन डाल देते हैं तो क्या है कि वो चौक हो जाती है, बाद में फिर दिक्कत होती है दोस्तों। देखे दोस्तों, इस बिल्डिंग में मैं फिटिंग कर रहा हूँ। अब देखो, ये पूरे 5 मंजिल की बिल्डिंग है, इसका रेनी वाटर
यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एक मोटर की लाइन है, देखिए हाफ सेट देके मैं अंदर कर दिया हूँ। ये पूरे साइड में बिल्डिंग है, बाथरूम बनी हुआ, बाथरूम बना हुआ ये पूरे साइड में है। और इस साइड में आप देखोगे तो दोस्तों ये देखो, इधर से मैं रेनी वाटर छज्जे का पानी पकड़ लिया हूँ, यहाँ से फिर अंदर हो गया है। ये देखिए आप,